पेशावर रैपिड बस मंसूबे में एक और तब्दीली, जिन्ना पार्क को भी मेगा प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। रिचवान की तौसी मंसूबे में जीटी रोड पर वाकई जिन्ना पार्क का सामने का हिस्सा भी आ गया। मंसूबे में तब्दीली के बाद अब जिन्ना पार्क के सामने से भी फ्लाईओवर गुजरेगा। फ्लाईओवर की तामीर के लिए पार्क में 100 साल कदीम दरख्तों की बेदरे कटाई कर दी गयी। जीटी रोड पर ग्रीन बेल्ट की कटाई से पहले ही शहर शदीद माहौलियाती आलूदगी का शिकार है। कदीम दरख्तों की कटाई से न सिर्फ पार्क की खूबसूरती मुतासिर होगी बल्कि आलूदगी में मजीद इजाफा होगा। इस पे पुल जा रहा है तो इधर से कट रहे है तो इस आलूदगी में भी बहुत ज्यादा फर्क आता है और ये मौसम भी इसकी वजह से खराब होते है। दीन इस्लाम के अंदर दरख्त लगाना एक सदका जारिया है और बड़े फजाइल है। दूसरा, अगर आप हमारे इस मुल्क की हालत देखें जो मौसम के लिहाज से गर्मी में खासकर, तो जब ये दरख्त काटे जाएंगे तो फिर माहौल पे और असर पड़ेगा और ये गिर्द गुबार भी आप देख रहे हैं, आलूदगी आप देख रहे हैं, तो इससे और भी ज़्यादा हबस होगी। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत शाह फरमान, जिन्ना पार्क में कदीम कीमती दरख्तों की कटाई से न सिर्फ बेखबर निकले बल्कि इसे ज़रूरी भी करार दिया। मुझे पूरा इलम नहीं है लेकिन अगर ये काटे गए हैं तो एक इतने बड़े मनसूबे के तकमील के लिए या उसके अंदर वो जो अगर शार्ट कम है वो दूर करने के लिए अगर ऐसा करना पड़ा तो होना नहीं चाहिए था इसलिए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो नागुजीर हो जाती है बात। नए तामीर होने वाला पुल खैबर बाजार से आने वाले ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होगा। कैमरामैन नज़ीरुल्लाह के साथ नुसरतुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर।